दोस्तों, कभी कभार हमें अर्जेंट में कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है, या फिर आपकी लाइफ अभी स्टूडेंट लाइफ है, तो इस केस के अंदर दोस्तों आप पैसा कहाँ से ले सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। इस लोन एप्लीकेशन से दोस्तों आपको इंस्टेंट ही 5 मिनट के अंदर आपको लोन मिल जाएगा, और इस एप्लीकेशन से आप 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये तक का आसानी से आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन दोस्तों NBFC RBI से रजिस्टर्ड है, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन में आपको ऑनलाइन ही घर बैठे लोन के लिए अप्लाई करना है। जब आप लोन के लिए अप्लाई कर लेते हैं, तो विद इन 5 मिनट के अंदर जो लोन का पैसा है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और दोस्तों इस लोन पर आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, और ये लोन आपको कितने टाइम पीरियड तक मिलेगा, एंड दोस्तों इस लोन पर आपको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लगातार बने रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करना है, और स्टेस फिन नाम की इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इसके बाद में सिंपली आपको ओपन के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ओपन के बटन पर क्लिक करते हैं, तो इस एप्लीकेशन का सबसे पहला इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, तो इसके बाद में आपकी जो भी सुटेबल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का चयन आपको यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, एंड प्रोसीड के बटन पर आप नीचे क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपसे इस एप्लीकेशन को परमिशन दे देनी है, आपको अलाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। अलाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर फिल किया है वो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल की कौन सी स्लॉट में डाला हुआ है, तो आप अपने मोबाइल की जो भी स्लॉट है वो स्लॉट आप यहाँ पर चुन लेंगे। स्लॉट चुनने के बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई किया जा रहा है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद में आपका जो भी फुल नेम है वो फुल नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे, एंड आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में दोस्तों नीचे टर्म्स पर आप क्लिक करेंगे एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद में आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे, एंड दोस्तों आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ फिल करके आप यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके पैन नंबर के आधार पर आप जितने लोन के लिए भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे उस लोन की राशि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों हमारे पैन नंबर के आधार से हम यहाँ पर 20,000 रुपये इस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो ये लोन लेने के लिए हम यहाँ पर नीचे गेट इन टू क्लिक्स पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप जितने भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो राशि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों अब आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू अपनी EKYC को यहाँ पर कंप्लीट करना होता है, तो कंप्लीट EKYC पर आप क्लिक करेंगे। आप जैसे कंप्लीट EKYC पर क्लिक करेंगे, तो इसके बाद में दोस्तों आप यहां पर देखेंगे आपके सामने डिजी लॉकर का ऑप्शन आ चुका है, तो नीचे आप टर्म्स पर क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड टू डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे। आप जैसे प्रोसीड टू डिजी लॉकर पर क्लिक करते हैं, इसके बाद में आपकी जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, एंड ये कैप्चर कोड आप यहाँ पर फिल करके नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर 6 डिजिट के MPIN बनाने हैं। आपको 6 डिजिट के MPIN बनाने के बाद में आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अलाउ के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे अलाउ के बटन पर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने डिजी लॉकर की सहायता से अपने आधार कार्ड के थ्रू जो EKYC है यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई विथ UPI। तो दोस्तों आपकी जो भी UPI है, जैसे फ़ोनपे की UPI होती है, पेटीएम की UPI होती है, या फिर गूगल पे की UPI होती है, उस UPI को आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी लोन का अमाउंट है वो डायरेक्ट UPI के थ्रू आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या फिर दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखेंगे ओपन UPI ऐप के नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, एंटर बैंक अकाउंट डिटेल। एंटर बैंक अकाउंट डिटेल पर क्लिक करके आपकी जो भी बैंक की डिटेल है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे कि जो लोन का अमाउंट है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर UPI वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर बैंक की डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सारी चीजें डालने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, तो आपकी जो भी बैंक की डिटेल है या फिर आपकी UPI है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं टैग सेल्फी, आपकी जो भी सेल्फी है वो सेल्फी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, तो नीचे आप टैग फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल का जो भी कैमरा है वो चालू हो जाता है। कैमरे से आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पर खींच लेनी है, सेल्फी को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद में टैग फोटो पर क्लिक करके
आपका जो भी पैन कार्ड है उस पैन कार्ड की फ्रंट साइज की फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सेल्फी एंड पैन कार्ड अपलोड करने के बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपके आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड की फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, तो टेक फोटो पर क्लिक करेंगे, फ्रंट फोटो अपलोड करेंगे एंड आधार कार्ड की बैक साइड की फोटो अपलोड कर देंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें प्लान के आधार पर ही लोन दिया जाता है, तो आप यहाँ पर प्लेटिनम प्लान लेना चाहते हैं या फिर गोल्ड प्लान लेना चाहते हैं या फिर सिल्वर प्लान लेना चाहते हैं। अगर आप प्लेटिनम प्लान लेते हैं तो आपको यहाँ पर 7,500 का लोन मिलेगा, गोल्ड प्लान लेना चाहते हैं तो इसमें आप 5,000 का लोन ले सकते हैं और सिल्वर प्लान पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर 3,000 का लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हमें यहाँ पर 3,000 रुपये लोन की ही ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर सिल्वर प्लान ही लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सिल्वर प्लान के सामने जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली हम अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ये लोन है आप यहाँ पर 2 EMI में दे सकते हैं। आपको यहाँ पर ये लोन आपको 2 EMI में रिफंड करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद में कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो ये लोन है 3,000 रुपये का, ये 1 EMI में भी दे सकते हैं या फिर 2 EMI में भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये दोनों EMI सेलेक्ट करेंगे, इस स्क्रॉल को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारी 2 EMI सेलेक्ट हो जाती है। 2 EMI सेलेक्ट होने के बाद में अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लोन का अमाउंट है वो 3,000 रुपये हमें यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि हम यहाँ पर सिर्फ 30 दिन के लिए लोन का अमाउंट ले रहे हैं। इसके बाद में हमारा जो टोटल अमाउंट है वो हमें 3,649 रुपये वापस पे करना होगा, जिसके अंदर 350 रुपये हमारी इंटरेस्ट रेट लगेगी, 649 रुपये हमारी फीस लगेगी और यहाँ पर जो नेट पेमेंट है वो पेबल यहाँ पर 3,649 रुपये हम यहाँ पर पे करने हैं। तो हमारी जो पहली EMI है वो 1999 की आएगी और दूसरी EMI भी 1999 रुपये की आएगी, तो टोटल हमारी 2 EMI में ये जो पेमेंट हमें वापस रिफंड करना होगा। दोस्तों आप यहाँ पर नीचे टर्म्स इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप जैसे कन्फर्म के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आपने UPI वेरीफाई की है तो UPI के थ्रू भी आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आपका जो EMI का टाइम आएगा, EMI की डेट आएगी, उस डेट को दोस्तों आपको यहाँ पर पे का ऑप्शन शो हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सीधे आपको पे के बटन पर क्लिक करना है और पे के बटन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप अपने फ़ोनपे, पेटीएम या फिर गूगल पे के थ्रू आपकी जो EMI बनेगी उसके थ्रू आप ये EMI आपको पे कर देना है। दोस्तों टाइमली आप EMI पे कर देते हैं तो दोस्तों आपकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी जाती है इस एप्लीकेशन, जैसे 20,000 से 50,000 रुपये तक का भी आपको यहाँ पर लोन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को आप फॉलो करके इस एप्लीकेशन से आसानी से यहाँ पर आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों इस वीडियो के अलावा आपका और भी कोई कन्फ्यूज या फिर सवाल जो आप है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।